अनंत अंधेरे में उम्मीद की एक किरण, भारतीय सैनिकों की मनोबल शक्ति, जिंदगी के लिए कर्क मौत से लड़ने की प्रेरणा। प्रेरणा कर्क रोगियों का सामाजिक और भावनात्मक आश्रय। एजिंग एंड म्यूटेशंस, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं और यही वजह है कि अब हम कैंसर रेट्स को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और इस तरीके से देख रहे हैं कि आने वाले समय में 2020 में वो तकरीबन 50% ज्यादा हो जाएगा। कर्क यानी कैंसर रोग एक जानलेवा रोग है जो दीमक की तरह फैलता जा रहा है। इस रोग से लाखों मरीज हर रोज लड़ रहे हैं और अपनी जान भी गंवा रहे हैं। डॉक्टर भी इस रोग को हराने की जंग में हर रोज लगे हैं। ये रोग फिर भी तेजी से फैलता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि हमें पता ही नहीं चलता और ये रोग हमारे शरीर में घर कर हमें कमजोर बनाता चला जा रहा है। इस बीमारी के लक्षणों के बारे में कई लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जिसका नतीजा ये होता है कि हम बीमारी की तीसरी या चौथी स्टेज पर ही डॉक्टरी जांच करवाते हैं और इस समय तक हमारे शरीर पर ये रोग अपना स्वामित्व पूरी तरह से बना लेता है, अतः दवाइयों का असर भी कम होता है। मगर हमें इस बीमारी से हार नहीं माननी है, इससे डट कर लड़ना है। तो अगर 10^9 पे वो पी साइज का होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है और ये वही साइज है जिस पे आप उसे पकड़ सकते हैं सबसे प्रारंभिक अवस्था में। बस यही हमारे प्रेरणा वॉलंटियर्स अपना काम बखूबी निभाते हैं और हौसले और उम्मीद को ना छोड़ने की प्रेरणा अपने ऑंको वॉरियर्स को देते हैं। ये जंग लड़ने का हौसला हमारे मरीजों को एक नई दिशा दिखाता है। लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियां व हार्मोन्स का सेवन भी कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। महिलाओं को अपनी वक्ष स्थल की स्वतः जांच महीने में एक बार अवश्य करनी चाहिए। स्त्रियों में किसी भी प्रकार का अस्वाभाविक या अनियमित रक्तस्राव, योनि स्राव का बढ़ जाना या शारीरिक संभोग के बाद रक्तस्राव का होना कैंसर के शुरुआत होने के लक्षण होते हैं। ये वो छोटा सा कैटरपिलर है जो बचपन में हम लोगों को मिलता था, अब वो घर नहीं आता, इसको वापस लाएं। उन सब्जियों को मार्केट से जाकर, बाजार से जाकर उठाएं जिनमें ये टहलता दिखता है, क्योंकि शायद वही वो सब्जी है जिसमें जहर का इस्तेमाल न्यूनतम है। तभी ये बच गया, तभी आप भी बचेंगे। कर्क रोग की रोकथाम के लिए बताए गए नियमों का अनुपालन करें। प्रेरणा की इन्हीं कार्यकल्पों से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे मरीजों में आत्मविश्वास पैदा होता है, जिससे उनकी समूची चिकित्सा प्रक्रिया में मदद मिलती है। प्रेरणा इन मरीजों के लिए हौसले का नाम है। प्रेरणा इनके परिजनों के लिए खुशी का नाम है। प्रेरणा देश के सैनिकों के लिए शक्ति का नाम है। प्रेरणा हिंदुस्तान के लिए एक उम्मीद का नाम है। आइए सब मिलकर इन मरीजों की जिंदगी बेहतर बनाएं। जय हिंद।